साल में बच्चों को KFC मैकडोनल्ड लाने का मकसद यही होता है कि इनको पता लगे कि वहाँ पे हम जो हैं वो मीट वाली चीज़ें जो हैं वो बाहर क्यों नहीं खा सकते और यहाँ पे जो है वो हम क्यों खा लेते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ये मैं KFC हूँ और खाने पीने का जो बाहर के बड़े ब्रांड्स हैं यानी कि उस तरह के जो हैं वो KFC मैकडोनल्ड टाइप, ठीक है, वो सारे यहाँ पे हैं, पिज़्ज़ा वगैरह की भी। यहाँ वहाँ में क्या फ़र्क है? वो सिर्फ हलाल फूड पर, ठीक है, सर्विसिंग की भी ज़बरदस्त है। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हलाल रेस्टोरेंट तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे डेलीज भी हैं, कास्ट पे मिल जाता है, लेकिन जो इस तरह के ब्रांड्स हैं KFC मैकडोनल्ड वगैरह पिज़्ज़ा हट वगैरह, वहाँ पे अभी तक जो है वो हलाल का जो है वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड बहुत कॉमन है तो सारे लोग ही वहाँ पे जाते हैं, तो बच्चे भी जो हैं वो अक्सर ज़िद करते हैं कि हमने वहाँ से लाना जो है वो बर्गर वगैरह या कोई भी चीज़ जो है वो मीट के साथ कोई भी चीज़ जो है वो खानी है, तो वो फिर उनको वहाँ पे समझाना पड़ता है कि क्यों नहीं खा सकते। यहाँ पे ऑर्डर करें अभी। ये KFC में ये भाईजान होते हैं, इनकी बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है, बड़े अच्छे तरीके से आपको डील करते हैं, ठीक है। क्या नाम क्या आपका? ताहिर। ताहिर भाई हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। यहाँ पे KFC मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा हट वगैरह से खा लेना जो है वो हर जगह से खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है और हर रेस्टोरेंट से हर जगह से आपको जो मीट मिलेगा वो हलाल ही होगा, यही रीज़न है कि यहाँ से खा लेते हैं हर जगह से। यहाँ पे जो है वो क्या नाम है इसका, पाकिस्तान में बच्चों को KFC मैकडोनल्ड लाने का मकसद यही होता है कि इनको पता लगे कि वहाँ पे हम जो हैं वो मीट वाली चीज़ें जो हैं वो बाहर क्यों नहीं खा सकते और यहाँ पे जो है वो हम क्यों खा लेते हैं, ठीक है तो सेम ब्रांड ही, तो अक्सर इनको मैं लेके आता हूँ ताकि इनको जो है वो थोड़ा फ़र्क नज़र आए कि क्या चीज़ें हैं जिनमें यानी कि खाने पीने में क्या फ़र्क है। तो वैरायटियाँ सारी वहीं पे हैं, सवाए उसके अलावा पोर्क के अलावा हर वही वैरायटी जो वहाँ या वहाँ पे होती है। तो और वैसे भी बच्चों को जो है वो जो ब्रांड आपको बाहर नज़र आते हैं और पाकिस्तान में भी नज़र आते हैं फूड के स्पेशली, तो वहाँ का ज़रूर विज़िट करवाएं ताकि उनको पता लगे कि हम जो हैं वो बाहर से यानी कि हलाल हराम की तमीज़ का उनको फ़र्क का जो है वो अंदाज़ा हो कि है तो सेम चीज़, ठीक है, यहाँ भी और वहाँ भी खाने क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है, वो फ़र्क उनको नज़र आए। तो अभी मैं जाता हूँ अपना ऑर्डर पिक करता हूँ और उसके बाद मैं निकला। अभी 5 मिनट लगा कर लगेगी वहाँ पर, मेरा नंबर ही नहीं आया वहाँ पर। तो बात सफाई चेक करें यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ यहाँ पे भी सब है, सेम स्टैंडर्ड की सेम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, नज़र आ जाती हैं, वही ब्रांड जो बाहर आपको नज़र आते हैं वही आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो सेम क्वालिटी के साथ, खाने पीने में क्वालिटी बेहतर ही होगी, कम नहीं होगी। साफ सुथरा माहौल है, सिटिंग बहुत अच्छी और है, ये देखें सफाई देखें, जो अंदर डेकोरेशन डिज़ाइनिंग वगैरह की है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको यहाँ पर जो क्या नाम है इसका खाली सीटें जो है वो नज़र आ रही हैं, कोविड की वजह से जो है वो सीटिंग अलाउ नहीं है, तो सिर्फ ये है कि खाना लें और लेके जो है वो बाहर जा सकते हैं। यहाँ से मुझे ऑर्डर पिक करना अपना, उस तरफ मैंने जो है वो उस तरफ मैंने वहाँ मैंने ऑर्डर दिया था, यहाँ से मैंने ऑर्डर पिक करना। ऑर्डर मेरा मिल गया है मुझे। ऑर्डर पिक कर लिए, अभी ऑर्डर पिक कर लिए अभी यहाँ से जी ये मेरी, हाँ जी ऑर्डर पिक कर लिए अभी यहाँ से निकलें, और आजकल की जनरेशन जो है ना
मांगती है, प्रैक्टिकल मांगती है, उन्हें करके दिखाएं, उन्हें दिखाएं ताकि उनको समझ आए। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में नई कहानी के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।